दोस्तों, अगर आप आज के इस 12 शॉर्टकट कीज को सीख लेते हैं तो आज के बाद आप माउस को यूज करना भूल जाओगे। यस गाइज, क्योंकि जो काम आप माउस से लेट से करते थे वही काम आप अपने कीवर्ड के शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट से आप इस्तेमाल कर सकते। तो इससे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड इस घंटी को दबा दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राधारम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखिए ऑल इन हिंदी। ये आपका टास्क बार है और यहाँ पे जो टास्क बार में जो आपका पिन है, ब्राउजर हो गया, फोल्डर हो गया, ये सब को आप शॉर्टकट तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो शॉर्टकट है विंडो लोगो प्लस अल्ट और प्लस न्यूमेरिकल कीबोर्ड। तो जैसा कि यहाँ पे मेरा नंबर 5 पे है क्रोम ब्राउज़र और मुझे क्रोम ओपन करना है, तो यहाँ पे 5 प्रेस किया एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 पे आ गया। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा और मेरा यूट्यूब ओपन हो जाएगा एंड देख सकते हैं फाइनली मेरा यूट्यूब ओपन हो गया। तो इसी तरीके से मेरा नंबर 4 पे मोजिला है और मोजिला पे यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई भी एक सेलेक्ट करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें भी YouTube मेरा ओपन हो गया। मान लीजिए आप किसी टैब में हैं एंड उस टैब को आपको रिफ्रेश करना है एंड रिफ्रेश करने के लिए वहाँ पे एक खाली स्थान चाहिए जहाँ पे हम अपने माउस से राइट क्लिक करें उसके बाद रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की में जाए तो आप अपने कीवर्ड में कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो ये आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। एंड देख सकते हैं ये मैंने कंट्रोल प्लस आर प्रेस किया, ये रिफ्रेश हो गया। इसके लिए भी आपको एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है। आप अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे एंड उसके बाद आपका जितने भी टैब फोल्डर एप्लीकेशन ओपन होगा वो सब के सब आपका हाइड हो जाएगा। अगर आपका टैब छोटा में है और उसे आपको मैक्सिमाइज करना है फुल स्क्रीन में तो आप अपने विंडो बटन एंड अप बटन को प्रेस कीजिए एंड ये आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। एंड आपको हाफ स्क्रीन में करना है तो आप विंडो बटन एंड डाउन बटन को कीजिए, ये आपका हाफ स्क्रीन में हो जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट है, अगर आप इसे मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप विंडो बटन एंड डाउन बटन को 2 बार क्लिक कीजिए अगर आपका फुल स्क्रीन में है, और अगर आपका हाफ स्क्रीन में है तो आप 1 बार प्रेस कीजिए और ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा। एंड आपके पास बहुत सारे टैब्स ओपन हो चुके हैं, 5-6 ओपन हो चुके हैं और आपको करना क्या है, आपको कीबोर्ड में अल्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करना है और आप एक टैब से दूसरे टैब में आप स्विच कर सकते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन से आप दूसरे ऐप्स में स्विच कर सकते हैं। किसी भी टैब को बंद करना है, किसी भी ऐप्स को क्लोज करना है तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप इस वाले बटन पे, क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करके बंद करते हैं। लेकिन इसके लिए भी बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है, अगर आप अपने कीबोर्ड में अल्ट और F4 प्रेस करते हैं तो आपका ये वाला एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। देख सकते हैं अल्ट F4 बंद हो गया, अल्ट F4 बंद हो गया, अल्ट F4 बंद हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से बंद कर सकते हैं। कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है कभी कभी हैंग करता है और उस सिचुएशन में आप जो उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करने जाते हैं तो वो क्लोज होता नहीं है। उसके लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, जो ऊपर में बटन है ये वाला आपको प्रेस करना है एंड उसके बाद आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपने माउस की मदद से इसे एंड कर सकते हैं। तो है ना काफ़ी आसान, आसानी से किसी भी सिलेक्टेड फाइल का, फोल्डर का प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज का मैंने सेलेक्ट किया, अल्ट मारा एंड उसके बाद एंटर प्रेस किया, चेक हो गया। दोस्तों ये वाला जो शॉर्टकट है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डेली ज़रूरत तो नहीं पड़ता है लेकिन कभी भी आपका डेस्कटॉप रोटेट हो जाता है बाय चांस यूज करते करते, तो उस सिचुएशन में आपका माउस ठीक से काम नहीं करता है। अब उस दौरान आप अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब प्लस एरो की, अप एरो की, और उसके बाद ये आपका नॉर्मल हो जाएगा।
अगर आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में या फिर आप अपने स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट यूज कर सकते हैं विंडो बटन एंड एल बटन को, और उसके बाद आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों, आप सभी तो अपने कंप्यूटर को ऑफ करते ही हैं, लेकिन आप नॉर्मल वे में यूज करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप कीवर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, और वो है आपका अल्ट प्लस एफ फोर एंड उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल के और एडवांस शॉर्टकट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।